बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और ये जो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने कहा पौधों को पानी दे दूँ। जो पौधे टेरेस पे हैं उन सबको मैं पानी दे आई हूँ, और चिड़ियों को मैं दाना भी डाल आई हूँ और उनके पीने के लिए पानी भी रख आई हूँ। और अब इनकी बारी थी, मैंने कहा इनको भी पानी दे दूँ। और ये देखें जी, ये एक न्यू प्लांट है जो मैंने लिया है। इसका नाम शायद एलिफेंट प्लांट ऐसा ही कुछ नाम है इसका। और इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और ये बहुत प्यारा लगता है, ग्रीन ग्रीन सा। और ये जी मेरी हेल्पर आ गई काम करने के लिए, और वो सफाइयाँ कर रही थी। जितनी देर में उसने सफाइयाँ करनी थी, मैंने कहा चलो मैं किचन साफ़ कर लूँ और खाना वगैरह बना लूँ, क्योंकि नाश्ता तो बच्चे कम ही करते हैं, कोई शेक पी लेता है, कोई तरबूज़ खा लेता है, बस ऐसे ही। तो क्योंकि पराठा सुबह सुबह अब इतना खाने को दिल नहीं करता। और ये वो गराज धोने लग गई, कह रही थी कि बाजी गराज बड़ा गंदा होया था, मैं धो दा। मैं है चलो धो दो वो फिर तुसी। आज ना मैंने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाना था, वो रिक्शा सुबह सुबह आया तो है था, लेकिन वो सेकंड टाइम कह रहा था मैंने नहीं आना, और उसकी क्लास ज़रा लेट थी, तो मैंने कहा चलो हम खुद ही छोड़ आएंगे। और खाना मैंने बना लिया था और सफाई भी इसकी तकरीबन कम्प्लीट हो गई थी, और वो तो 10 बजे तक ना काम करके तो चली जाती है। और ये अभी इधर 1-1.5 बजे का टाइम है, तो अपने बेटे के साथ जा रही हूँ मैं, उसको बेटी अपनी को छोड़ने जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। और मैंने अबू बकर को बोला कि आप बाइक अंदर कर दो भाई की, और गेट बंद कर लो अच्छे से। बाहर तो इतनी गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज व्लॉग कोई इतना खास नहीं बना था, बस यही थोड़ा सा व्लॉग बना था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पता है जब व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइब जो हैं वो नहीं बढ़ते, कोई करता नहीं है इतना हाथ सब्सक्राइब, तो फिर दिल नहीं करता कि बंदा व्लॉग बनाए और अपलोड करे। लेकिन फिर मैं एक नई उम्मीद के साथ शुरू हो जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, शायद आज ही अच्छे व्यूज़ आ जाएं। ये जी बेटी को इधर यूनिवर्सिटी उतारा, और पास ही मेरी ना बड़ी बहन का घर था, मेरी बाजी का, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि चलो थोड़ी देर उसकी तरफ भी चक्कर लगा जाते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा चलो उसका हाल अहवाल पूछ लेते हैं। और ये बेटा मेरा गाड़ी टर्न करने गया था, वो कह रहा था मम्मा गाड़ी को ना मैं टर्न करके फिर मैं एक साइड पे लगाता हूँ। और ये जी आ गई मैं अपनी बाजी के घर, और मैंने बजाई बेल, तो मेरी भांजी निकली बाहर। वो मुझे देख के इतनी हैरान हुई, हला आप इस टाइम? तो मैंने कहा चलो देख लो, मैंने आप लोगों को सरप्राइज़ दे दिया। उनकी हेल्पर शायद लेट आती है और वो काम कर रही थी। और ये जी हम लोग इधर बैठे हैं, और जल्दी से वो दूध थोड़ा बना लाई तो वो पिया, थोड़ी देर गपशप की, बातें की अपनी बहन के साथ, और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद घर के लिए निकल पड़े हम लोग। और ये जी हम लोग घर पहुंच गए। चलें जी यहीं पे मैं अपने व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।